आजठ आरंभ हो संसद बजेट अधिवेशन प्रथम दिन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उभय लोकसभा और राज्यसभा सदस्य को संबोधन करेंगे। यह अधिवेशन में विरोधी सरकार को घेरिबा को जोरदार प्रस्तुति करिसेंती। पेगासस समेत चीन मुद्रास्फीति बेकारी और चाषी प्रसंगे केन्द्र को घेरिबा को मुख्य विरोधी दल कांग्रेस और अन्य दलर सदस्य मैंने रणनीति प्रस्तुत करिसेंती। एथर बजेट अधिवेशन में प्रबल हट्टगोल होवार संभावना रही। पेगासस स्पायवेयर मामलें विदेशी गणमाध्यम रिपोर्ट को नहीं हईचई सृष्टि होती। केन्द्र सरकार इज्राएल स्पायवेयर किणवा संक्रांत रिपोर्ट को नहीं मोदी सरकार को घेरी कांग्रेस। से भले पूर्व लद्दाख में चीन अनुप्रवेश प्रसंगे विरोधी दल मैंने सरकार को घेरिया को प्रस्तुत होती। संसदर बजेट अधिवेशन प्रथम दिन में आसव अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट। आज 2021-22 आर्थिक वर्ष अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट उपस्थापन करेंगे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। अर्थनैतिक सर्वे 2022-23 आर्थिक वर्ष पर देशर डीजीपी अभिवृद्धि पाखापाखि 9% रहिबा नै पूर्वानुमान करा जाउछि। निकटरे विश्व बैंक पक्षर प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुजाई देशर अभिवृद्धि 8.7% रहिबा संभावना रहिछि। गत वर्ष जनवरी प्रकाश पाइथिबा अर्थनैतिक सर्वे 2020-21 रिपोर्ट 2021-22 आर्थिक वर्ष पर डीजीपी अभिवृद्धि हार 11% रहिबा आकलन करा। कोरोना महामारी पूर्वरु अर्थनीतिर स्थिति सुधुरुछि, तेणु अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट रे अर्थमंत्री किछिटा गोलापी चित्र देखाई परंती। ब्यूरो रिपोर्ट, संस्टार टीवी।